हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉर्न। आज हम आपके लिए बहुत ही डिलिशियस रेसिपी लेके आए हैं। आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। जी हाँ गाइस, आप घर पे इसको बहुत इजीली बना सकते हैं और सभी को ये बहुत पसंद आता है। प्लस इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है। सो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमको इससे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आ सकें। तो चलिए पहले रेसिपी देख लेते हैं और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसको किस किस तरह से सर्व कर सकते हैं और साथ में क्या क्या इसके फायदे हैं। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रूट कस्टर्ड। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि इस फ्रूट कस्टर्ड में हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने लिया हुआ है कस्टर्ड पाउडर। ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये हमने 3 बड़े चम्मच लिए हुए हैं। शुगर हमने ली हुई है अपने स्वाद के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ बोल हमने ली है, ये भी 3 बड़े चम्मच है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट मिल्क, मिल्क हमने आधा लीटर यानी कि 500 ml लिया हुआ है। इस 500 ml में ये 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लगेंगे। तो आप जितना बना रहे हो उस अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ में फ्रूट्स में हमने लिया हुआ है एप्पल, ग्रेप्स और बनाना। आप कोई भी फ्रूट्स जो आपको या आपके बच्चों को पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक पतीला। अब इस पतीले में हम दूध ऐड करेंगे। हमें पूरा दूध नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा दूध आप बचा लीजिएगा जिसमें भी आपने लिया हुआ है। अब फ्लेम को ऑन कर लीजिए और इस मिल्क को हमें बॉईल होने देना है। ये मिल्क बॉईल हो रहा है तब तक अगला प्रोसेस देखते हैं। जब तक वो मिल्क बॉईल हो रहा है, हमने जो ठंडा मिल्क अलग से रखा था, अब इसमें हमें कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करना है। गरम दूध में कभी नहीं ऐड करना है, कस्टर्ड पाउडर हमेशा ठंडे मिल्क में ही ऐड करना है। इसको प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए। ये मिल्क अब एकदम उबलने की स्टेज पे आ गया है, तब इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे। और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मिल्क एकदम बॉईल हो गया है और इस बॉइलिंग स्टेज पे हमने जो कस्टर्ड मिक्स किया था ठंडे मिल्क में वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और डालते ही तुरंत इसको एक क्विक स्टर दे देंगे। सिर्फ 1-2 मिनट ही और फिर गैस के फ्लेम को बंद कर लीजिए। कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के बाद बस जरा सा इसको जैसे ही हम मिक्स कर देते हैं फिर तुरंत हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिए बाहर। उसके बाद इसको कवर करके आप फ्रीजर में डाल दीजिए लगभग 5 से 6 घंटा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। जब तक हमने दूध वाला बैटर कस्टर्ड का रखा है फ्रीजर में, तब तक हम ये सारी जितने भी आपने फ्रूट्स लिए थे उसको एकदम फाइनली चॉप कर लीजिएगा ताकि बच्चे देखे भी ना और इजीली खा जाए। जैसे कि आपने देखा, देखिए ये एप्पल्स हैं, हमने एकदम बारीक काट लिया है, बनाना को भी और ग्रेप्स को भी। सो गाइज, अब 4 घंटे के बाद हमने ये कस्टर्ड फ्रीज से निकाल लिया है। देखिए प्रॉपरली एकदम जेली की तरह हो गया है।
अब इसमें हमने जो जो फ्रूट्स काटे हुए थे वो सारे मिक्स कर लेंगे। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, अब इन सबको प्रॉपरली मिला लीजिए। ये देखिए सब कुछ प्रॉपरली साथ में मिल गया है और कितना अच्छे कंसिस्टेंसी का है। सो गाइस, आपने देखा कि ये कस्टर्ड बनाना कितना इजी था, बहुत ही सिंपल है और सबको बहुत पसंद आता है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक तुरंत कर दीजिए। देखिए गाइस, कस्टर्ड एकदम बन के रेडी है, अपने बच्चों को, अपने घर में सबको खिलाइए। आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ भी दे सकते हैं, कभी रसगुल्ला ऐड करके बिना फ्रूट्स के। आप अगर बड़े खा रहे हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, चेरीज भी ऊपर से सजा सकते हैं। मेरे बेबी को चेरी नहीं पसंद है, इस वजह से हमने सिर्फ ये फ्रूट्स डाले। कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, केक के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत सारी कॉम्बिनेशंस के साथ खा सकते हैं इसको। गर्मी में इसका लुत्फ़ उठाइए, गर्मी में तो हम सब चाहते हैं कि कुछ ठंडा ठंडा मिले जिससे कि बहुत अच्छा लगे, गर्मी से बहुत राहत मिले। सो गाइस, इसको जरूर ट्राई करिएगा, लेकिन उसके पहले लाइक जरूर करिएगा, हमें बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलती है। सो गाइस, देखा देखा आपने कि फ्रूट कस्टर्ड हम घर पे कितने इजीली बना सकते हैं। गाइज, इस फ्रूट कस्टर्ड को आप 1 ईयर प्लस बच्चों को आराम से दे सकते हैं। 1 ईयर से नीचे के बच्चों को हम शुगर नहीं देते हैं, इस वजह से ये अवॉइड करना हमेशा ही रेकमेंडेड रहता है। और घर के सारे मेंबर्स को सर्व करिए, गर्मी के लिए बहुत अच्छी डेलिकेसी है। आप बना के फ्रीज में भी रख सकते हैं इसको, जब भी गेस्ट आए तो उसमें फ्रूट्स मिक्स करके आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसको और किस तरह से हम खा सकते हैं। जैसा कि आपने रेसिपी में देखा, हमने इसमें फ्रूट्स इंक्लूड किए थे। अगर आप फ्रूट्स ना भी इंक्लूड करें, जैसे कि हमने वो कस्टर्ड पूरा बनाया था उसमें आप अगर व्हाइट वाले जो रसगुल्ले आते हैं अगर वो भी फ्रूट्स की जगह डाल के अपने गेस्ट को सर्व करेंगे तो ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। आप ट्राई जरूर करिएगा इसको और कमेंट करके हमें बताइएगा अपने फीडबैक्स कि कैसा लगा। प्लस कोई और समर रेसिपी या कोई भी रेसिपी जो आप चाहते हैं कि हम करें वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, समर्स के लिए आपको ये बेनिफिट दे रहा हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपने देखा इसमें कितने सारे हेल्दी बेनिफिट्स हैं। इसमें मिल्क हमने ऐड किया, प्लस ढेर सारे फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स जो आपको अच्छे लगते हो, आपके बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, आप वो सारे फ्रूट्स इसी में छुपा करके बच्चों को आराम से दे सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।